हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा दोस्तों। तो दोस्त, आपका स्वागत होता है नेक्स्ट पार्ट में। जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को रिव्यू दिखाऊंगा जब बारात आती है तो कैसा रहता एक्सपीरियंस। सो उसी के लिए जा रहा हूँ भाई। अभी मैं घर से रेडी हो चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो न्यू लुकअप मेरी। कोट डाल दिया मैंने भाई, ये पर्सनैलिटी चेक करो अपने भाई की। भाई कभी कभी पहनता हूँ भाई एक लुक, और बता दूँ आप लोगों को। सो मैं जा रहा हूँ भाई, और ये गिफ्ट पैक किया मैंने साक्षी को देने के लिए, ताकि उसको यादगिरी रह जाए हमारी भी भाई। सो ये छोटा सा गिफ्ट है भाई, इतने पैसे वाला बंदा हो नहीं कि बड़ा वाला गिफ्ट, तो जितना हो सकता है इतना ही दिया मैंने, दिल से दे रहा हूँ इसलिए। सो चलते हैं भाई वहाँ पर, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। सभी दोस्त आए होंगे और अभी बारात नहीं आई है भाई, तो पहले जाके रिव्यू कैप्चर करते हैं छोटा सा, दोस्तों आप लोग देख सकते हो टेंट कैसे जगमगा रहा है, और सभी स्वागत कर रहे हैं बरातियों का आने के लिए। सभी रेडी हो चुके हैं, अपने अपने स्टॉल पे खड़े हो चुके हैं, और इधर स्टेज भी सज चुकी है अच्छे से पूरी, और इधर चाचा जी बना रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ भाई। सो दोस्तों, जैसे चाचा जी अपने स्टॉल पे खड़े हुए हैं, सो दोस्तों सबसे मेन बात ये है कि एक गांव की शादी में हमेशा गांव के लोग आकर हेल्प करवाते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी बात है जो कि मुझे अच्छी लगती है, और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं अपनी पब्लिक अपनी ऑडियंस के साथ भी ये बात शेयर कर दूँ, क्योंकि हमारे गाँव में ये परम्परा हमेशा से चलती आ रही है। चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो, गांव के लोग हमेशा हेल्प करवाने के लिए रेडी होते हैं भाई। सो आप लोग देखें अलग अलग स्टॉल पे सभी लोग खड़े होंगे हमारे गांव के भाई, कुछ मेरे दोस्त होंगे, कुछ अंकल जी, कुछ चाचा जी होंगे, देखो आप भी। बोल बोल। सो फाइनली दोस्तों बारात आ चुकी है, बट इसमें से मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी छोटी गाड़ियाँ आएंगी वो इधर ही लगवानी है। तो बसेस और मेटाडोर मैंने इधर ही रुकवा दी सड़क के पास, छोटी गाड़ियाँ वो साइड पे लग रही हैं आप लोग देख सकते हो। और अब मिलते हैं सुमित उस्ताद जी से, और आपको भी मिलवाते हैं भाई। चलो मेरी जान अब उस्ताद जी के पास। तो हेलो उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? वेलकम टू टक्कर भाई। बढ़िया, और सुनाओ ठीक हो? सो फाइनली दोस्तों सभी गाड़ियां लग चुकी हैं साइड पे, और ये प्यारा सा मंजर चेक करो भाई, कितना अच्छा लग रहा है ना। सभी गाड़ियां छोटी से बड़ी लेकर कितनी अच्छी एक्साइटमेंट है सभी में भाई। भाई अक्सर जब ये पटाखे की बात आती है ना, जब बारात आती है, तो समझ लेना भाई सभी बाराती आ चुके हैं, और आप देरी हो चुकी है, जल्दी से जल्दी आप भी टेंट में आ जाओ। सो दोस्तों अब सबसे पहले परंपरा के अनुसार ये रस्म अपनाई जाएगी जो कि स्टार्टिंग से चलती आ रही है। सो आप भी छोटा सा रिव्यू देखें भाई।
सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बारात आने से पहले सभी भाई लोग और अपने गांव के लोग अपने अपने स्टॉल पे खड़े हो जाएंगे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सो भाई, ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। तो आप भी देखें कैसे भाई लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर खड़े हो चुके हैं बरातियों को सर्व करने के लिए, जी सब कुछ खाना खाने के लिए। सो भाई, आपको भी दिखा रहा हूँ कि आप भी जब भी कभी लड़की की शादी हो तो आप भी इस तरह योगदान दे सकते हो। बट ये शहरों में ऐसी बात नहीं है भाई। अगर कोई बंदा पैलेस बुक करता है तो उधर आपको पता है क्या सिस्टम होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को भाई। मैं अपने गांव की रियलिटी बता रहा हूँ जो कि मुझे अच्छी लगती है और मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करता हूँ भाई। सो दोस्तों, अब दूसरी रस्म शुरू होती है रेवन कट करने की, और सालियों ने रास्ता रोक दिया है जीजा जी का, और साले साहब भी बीच में खड़े हो चुके हैं भाई। और दोस्तों, देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का रोमांचक नज़ारा। सो आपको एक साथ भी शेयर करते हैं। सो आप लोग बने रहना एंड तक भाई, दिखाते हैं आज कैसे रेवन कट होता है यहाँ का भाई आज। सो दोस्तों, लाख बहस करने के बाद अब जाके डील फाइनल हुई है, वो भी क्या, डिजिटल फोन पे आइडिया। फोन पे 1 रुपया सेंड करो और रेवन कट करो, आ जाओ अंदर भाई। सो यही बात में मुझे भी हंसी आ रही है भाई। आप लोग भी देखो क्या डील फाइनल की है इन लोगों ने भाई। सो दोस्तों, जयमाला का टाइम हो चुका है। आप लोग देख सकते हो लड़की आ चुकी शादी वाली, कितनी प्यारी लग रही है ना भाई। कमेंट में एक अच्छी सी दुआ देना कि हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहे हमारी बहन और हमेशा खुश रहे भाई। पता
बता पहला नशा पहला खुमार तेरे करीब आ रहा हूँ खुद से मैं दूर जा रहा हूँ ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला हाँ देखो ना सामने सो दोस्तों मैं तुंदे कन्नै इक गल शेयर करी ना उधरों भाई जयमाला दे फोटो शूट करा दे हुण सारे फैमिली वाले ते असीं इधर रुट्टी लगे हां खलाने ने सारे ते जिम्मी साड़ा और चाचा और भी सारे मिली जुलियै टेबल ला दे न और प्लेटां प्लूटां लाई छोड़ियां इत्थे रखन लगे हां ते रुट्टी लियानी है गर्मा गर्म सारे खलान लगे हां भाई जिहड़े दुल्ले दी तरफा आए ते महाराज दी तरफा सारे भाई सो दोस्तों अब रस्म शुरू होने वाली है ग्राही देने वाली सो भाई मैं लेट हो चुका हूँ सो हैप्पी भाई भी दे रहे हैं सो उसके बाद मैं देता हूँ भाई फोटो शूट करवाते हैं साथ में भाई
सो फाइनली दोस्तों बारात भी जा चुकी है घर और ग्राई भी दे दी है हमने। सो अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है। सो अब हम सभी यार दोस्त जा रहे हैं घर भाई। सो यही था छोटा सा रिव्यू आज का। सो चलते हैं अब घर भाई।